Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with the yet another lecture on the MSc JNU entrance exam that happened in the 2020. So we will discuss some more solutions that is from the our 2020 paper. Let's begin. So the first question they are asking here is which of the following expression correctly represents the Taylor series expansion of the function sin hx. ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको टेलर सीरीज expansions for ट्रिगो फंक्शंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपको पता होना चाहिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपको टेलर सीरीज एक्सपेंशन पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे, ठीक है, तो यू शुड नो दिस. सो टेलर एक्सपेंशन का एक खासियत होता है कि आप कभी भी अगर साइन फंक्शन की आप बात कर लो, ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे साइन फंक्शंस के कॉस फंक्शन के और टैन फंक्शन के दे रखा है, ठीक है, तो ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस है, ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का एक्सपेंशन दे रखा है टेलर सीरीज में. तो आप एक खास चीज आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, सभी में फैक्टोरियल है, तो अगर बिना फैक्टोरियल वाला ऑप्शन आता है तो आप उसको एलिमिनेट करोगे, तो दिस विल नॉट बी योर आंसर, ठीक है, तो ये तो आपका आंसर होगा ही नहीं. फिर बात करते हैं, यहाँ पे सेकेंड वाले में दे रखा है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, तो आपको कॉस और साइन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे. अगर नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे. अगर हम बात करें साइन x की, ठीक है, तो आपको साइन एक्स का ये जो एक्सपेंशन है ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसको बना पाओगे. यहाँ पे उसने पूछा साइन एच एक्स, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कॉस एच एक्स और साइन एच एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स और साइन एक्स इन दोनों में काफी हद तक फर्क होता है, ठीक है. ये जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, सो यू शुड रिमेम्बर दिस बिफोर गोइंग टू एग्जाम. यहाँ पे आप एक डिफरेंस दे सकते हो कि अगर सिर्फ x है तो 1 माइनस 1 प्लस आ रहा है, ठीक है, अगर आप h जोड़ दे रहे हो तो सिर्फ प्लस ही प्लस आ रहा है, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, बस इतना ही ट्रिक आप याद रखें तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है. दूसरा चीज है cos x की अगर हम बात करें तो वहाँ पे x² बाई 2 फैक्टोरियल जो है सेकेंड टर्म में, अगर हम साइन एक्स की बात करें तो x³ अपन 3 फैक्टोरियल. तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू रिमेम्बर द पैटर्न, ठीक है, यू रिमेम्बर पैटर्न. आप पैटर्न याद करो, ठीक है, जब तक आप पैटर्न याद नहीं करोगे क्वेश्चंस बनाने मुश्किल होते हैं आपके लिए, ठीक है. सो इन दिस क्वेश्चन इट इज बेटर टू नो द पैटर्न. सो दिस इज द आंसर फॉर साइन एच एक्स. इसकी बात करें तो ये किसका होगा, आप खुद जानते हो, अब ये होगा साइन एक्स का, ठीक है, ये होगा साइन एक्स का एक्सपेंशन, ठीक है, ये तो साइन एच एक्स का एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, और ये हो गया कॉस एच एक्स का एक्सपेंशन, आप देख सकते हो, ठीक है. तो ये क्वेश्चन बड़े अच्छे समझ में आया, आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलिंग अबाउट द मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, ठीक है, तो यहाँ पे ये टिपिकल बॉटनी रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, part of it is also from the zoology, botany and zoology, ठीक है, ये तो आप स्ट्रॉन्ग कर ही लो, ठीक है, बिना इसके तो बना नहीं पाओगे भाई. तो ये क्वेश्चन जो दे रखा है ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन दे रखा है. इफ यू आर गेटिंग अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन इट इज वेरी इजी टू आंसर इफ यू नो सम टर्म्स एंड सम टर्म्स फ्रॉम लिस्ट 1 एंड सम टर्म्स फ्रॉम द लिस्ट 2, ओके. तो अगर हम बात करें इसके मैच द फॉलोइंग करें तो इसका आंसर जो दे रखा है उसके हिसाब से अगर हम बात करें, एंडोस्पोर मैच हो रहा है एक्सोफोरियम से, ठीक है, हेट्रोसिस्ट जो है, हेट्रोसिस्ट, ठीक है, हेटेरोसिस्ट जो मैच हो रहा है वो आपका नाइट्रोजनाइज से मैच हो रहा है, नाइट्रोजनाइज से, ठीक है, नाइट्रोजनाइज से मैच हो रहा है। फिर अगर हम बात करें क्लोरोसोम की, तो क्लोरोसोम क्या हो रहा है, बैक्टेरो क्लोरोफिल, ठीक है, और कार्बोक्सीजोम्स किससे मैच हो रहा है आपका, रूबिस्को से, ठीक है। ये आपकी मैथ में बोलेंगे तो ये आप तो बड़े अच्छे से जान लिए, लेकिन आइए चलते हैं इसके डिटेल में डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि हर क्वेश्चन के पीछे उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आप जानोगे नहीं तो आप आगे चलने वाले एग्जाम्स में भी गलतियां करोगे, ठीक है। तो इट इज बेटर टू नो द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच टर्म्स सो दैट यू कैन आंसर इट वेरी क्विकली इन द नेक्स्ट एग्जाम्स, कमिंग एग्जाम्स, ठीक है। तो कुछ भी उठा के पूछ सकता है। अगर हम बात करें एंडोस्पोर्स की, ठीक है, तो एंडोस्पोर्स होते क्या हैं, ये एक नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो कि डोरमेंट और टफ इन नेचर होता है। किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। किस फाइलम के बैक्टीरिया में, फर्मिक्यूल्स में, ठीक है, जो कि एक सीड लाइक फॉर्म में मौजूद है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर, ठीक है, ये आपका पिक्चर है, आप देख सकते हो, ठीक है, ये ओरिजिनल पिक्चर है, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, और ये उसका स्ट्रक्चरल पिक्चर है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से नोटिस कर लो। अगर हम बात करें एक्सोफोरियम की, तो एक्सोफोरियम क्या होता है, आउटर सरफेस लेयर ऑफ द मैच्योर स्पोर इन प्लांट स्पोर, इट इज आल्सो रिफर्ड टू एज एक्सीन। सम बैक्टीरिया आल्सो प्रोड्यूस एंडोस्पोर विद एक्सोफोरियम, ठीक है। तो एंडोस्पोर जो है वो एक्सोफोरियम का पार्ट है, ठीक है, नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसका जो आउटर सरफेस हो रहा है वो आपका एक्सोफोरियम बन रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप इसको बड़े अच्छे से याद रखें ताकि आपके आने वाले एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको जरूर बना के आए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टर्म्स के डिस्कशन पे, ठीक है। इफ यू गो टू द नेक्स्ट टर्म्स दैट इज हेट्रोसाइट्स। हेट्रोसाइट्स क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल होता है जो कि फिक्स करता है किसको, नाइट्रोजन को, ठीक है। और क्या होता है, फॉर्म्ड क्यों होता है, ये बनता क्यों है, कि ड्यू टू नाइट्रोजन स्टार्वेशन बाय सम फिलामेंटियस साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया आ गया भाई, ठीक है। तो ये साइनोबैक्टीरिया है सच एज नोस्टॉक, पंचीफोरम, सिलोडोस्पर्म, स्टैंगला एंड एनाबेना स्पेरिका, ठीक है। तो ये आपके बैक्टीरिया के नाम है भाई, इसको भी आप बड़े अच्छे से याद रखो। तो ये किस लिए काम आता है, तो हेट्रोसाइट्स का मेन फंक्शन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसीलिए इसका नाम नाइट्रोजेनाइज दिया हुआ है, ठीक है। फिर आता है आपका क्लोरोसोम। तो क्लोरोसोम्स आर द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बिलोंगिंग टू थ्री डाइवर्स फाइला, ठीक है। तो ये एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो इनके एग्जांपल्स क्या है, क्लोरोबी, क्लोरोफेक्सी एंड एसिडोबैक्टर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो क्लोरोसोम, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो ये क्या होगा, इसका टर्म, इसके लिए कौन सा टर्म यूज होगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो ये फोटोसिंथेसिस किस वजह से कर रहा है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है, इस वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो इसका जो एक्चुअल मैचिंग टर्म होगा दैट इज बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बैक्टीरियो क्लोरोफिल पढ़ा था, बैक्टीरियो क्लोरो फाइल, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बोक्सीजोम, जो लास्ट टर्म था, वो क्या होता है, आर द बैक्टीरियल माइक्रो कंपार्टमेंट्स, बैक्टीरिया के अंदर माइक्रो कंपार्टमेंट्स होता है। इसमें क्या होता है कि पॉलीहेड्रल प्रोटीन सेल्स फील्ड होते हैं किस एंजाइम से, रूबिस्को 1,5-बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, ठीक है। तो रूबिस्को एंजाइम इसमें प्रीडोमिनेंट होता है जो कि कार्बन फिक्सेशन करने में काम आता है, और केल्विन साइकिल में ये होता है, ठीक है। तो आपको ये टर्म भी याद करना है, कार्बोक्सिलम जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, रूबिस्को से रिलेटेड है, ठीक है। तो रूबिस्को इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड दैट केम इन प्रीवियस एग्जाम, सो यू शुड रिमेम्बर इट, रूबिस्को, ठीक है। इसके फंक्शंस के बारे में भी पढ़ लो भाई, समझ में आया? ठीक, तो इसको याद करो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज आस्किंग एन आइडियल गैस डज नॉट फॉलो व्हिच। ठीक है, तो आइडियल गैस किस चीज को फॉलो नहीं करता है, ये चीज आपको जानने की जरूरत है। पहले हम जान लेते हैं किस चीज को फॉलो करता है, होने से पहले आप जान लो कि किस चीज को फॉलो करता है। तो उससे पहले आप अगर हम बात करें तो एन आइडियल गैस हैज नो वॉल्यूम, सबसे पहले बात करो, वॉल्यूम नहीं होता है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता है, और फॉलो करता है गैस लो को एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर्स पे। ठीक है, ये आप याद कर लो। ठीक है, आइडियल गैस जो होता है ये उसका प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, फिर आइडियल गैस किन किन लॉज को फॉलो करता है, बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को एंड एवोगाड्रो लॉ को। बस एक गेल उस एक लॉ है जिसको आइडियल गैस फॉलो नहीं करता। अब क्यों नहीं करता है, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन की अगर हम बात करें, आइडियल गैस इक्वेशन, इफ यू टॉक अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब ये आया कहाँ से, बात करते हैं ये आया कहाँ से। सपोज करो बॉयल्स लॉ की बात करें, ठीक है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम क्या होगा, नंबर ऑफ मोल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये जो लॉ है इनको कंबाइन करके ये बना है, ठीक है, और उसके बाद क्या बना है ये। इस लॉ को अगर हम रीराइट करते हैं तो पीवी इक्वल टू एनआरटी बनता है। इसीलिए इन तीनों लॉ को मिक्स करके हमारा ये लॉ बना है। तो आपको याद कर लेना है इसको बड़े अच्छे से, तभी आप इसको बना पाओगे। ठीक है, तो ये तीनों लॉ को अच्छे से याद करो, आइडियल गैस के इक्वेशन को याद करो, गे लुसेक लॉ चाहो तो पढ़ सकते हो क्योंकि वो भी आने वाले एग्जाम्स में आ सकता है, तो गे लुसेक लॉ भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये तीनों लॉ अच्छे से पता होंगे, आइडियल गैस से रिलेटेड क्वेश्चंस आप अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर आस्किंग अबाउट टोटीपोटेंसी। ये आ गया फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको अगर टोटीपोटेंसी का मीनिंग पता नहीं है तो आप पहले उसके बारे में जान लें। ठीक है, टोटीपोटेंसी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ ए सिंगल सेल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल डिफरेंशिएटेड सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, एग्जाम स्पोर्स एंड जाइगोट। ठीक है, इसको टर्म्स किसने दिया था, जर्मन बोटेनिस्ट ने दिया था, प्रोफेसर गॉटलाब हैबरलैंड proposed the idea of totipotency. He said that every single living cell of a plant body can regenerate the entire plant body because it is obtained from a fertilized egg containing genetic data, जो कि spores और जाइगोट में होता है। ठीक है, तो ये एबिलिटी है किस चीज का, सिंगल सेल को डिवाइड करने का। तो ये तो आप जान रहे हो, ये उसका डेफिनेशन है। और किसने दिया था, जर्मन बोटनिस्ट ने, प्रोफेसर गॉटलाब हैबरलैंड। तो इस वजह से इसका आंसर हैबरलैंड हो रहा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, तो आपको ये जो क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, सोडियम दे रखा है, लेड दे रखा है, जिंक दे रखा है, आयरन दे रखा है, कॉपर दे रखा है। रिमेंबर दिस, ठीक है, ये वाला टेबल याद कर लो, कभी गलती नहीं करोगे। ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपको अच्छे से याद होगा। सबसे पहले फ्लोरीन आ रहा है, फिर लेड आ रहा है, फिर क्लोरीन आ रहा है। हमको क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जानना है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे पहले किसका है, इसमें हाईएस्ट है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ऊपर कौन सा है, कॉपर है जी। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है आपका, कॉपर है। ठीक है, तो ई में तो कॉपर आ गया। फिर आपका क्या है, आयरन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, कॉपर है, फिर आयरन है, लेकिन कॉपर का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो आयरन से ज़्यादा है, क्योंकि जो कॉपर है वो उसकी वैलेंसी क्या है, यहाँ पे 2 है, और इसकी आयरन की वैलेंसी जो है 3 है। इस वजह से तो हम अगर मान के चले यहाँ पे कॉपर और आयरन का डिफरेंस जो है उसमें ज्यादा है कॉपर का, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, इसके बाद आता है हमारा क्या आएगा, बी लेड, ठीक है। अब यहाँ पे उसने Fe3+ पूछा है या Fe2+ पूछा है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये Fe2+ की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूज मत होना, फेरिक और फेरस में कंफ्यूज मत होना। तो ये पे फेरिक की बात किया था, लेकिन यहाँ पे ये फेरस की बात कर रहा है। तो अगर हम बात करें कॉपर 1, ठीक है, देन सेकेंड में लेड, फिर थर्ड में आयरन, फिर फोर्थ में आपका जिंक, ठीक है, फोर्थ में जिंक आएगा, फिर आपका सोडियम आएगा यहाँ पे, ठीक है, फिफ्थ में। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखना है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यही सीक्वेंस है आपका, ठीक है। तो आप फेरिक और फेरस में कंफ्यूजन मत होना, आपका सीक्वेंस ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद करना है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग के लिए, ठीक है। तो ये अच्छे से याद कर लो, बना लो फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, एंड वी विल कम विथ मोर क्वेश्चंस, डिटेल सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट क्लासेस। हैव ए नाइस डे।